बताओ कि ये मस्जिद आप लोगों ने खुद सारे गुज्जर कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन सब ने मिलके बनवाई है? हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, तो क्या बना रहे हो मेरी प्यारी बहन? ऐसे तो कितना दूध पीते हो एक दिन में? 1 लीटर पी लेते। 1 लीटर? ऑलराइट, सो गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 10:30 और और गाइस, मैं और गफार भाई आ चुके हैं यहाँ पे तरन तारण में रुके हुए। जैसे आपको पता ही है, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे एक गुज्जर कम्युनिटी की मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं, वो भी मुस्लिम ही हैं। उनको आज एक्सप्लोर करने आए मैं और गफार भाई, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, ड्रेसअप और बाकी जितना भी है उनका, जो भी उनको एक्सप्लोर करेंगे। और बेसिकली वो कठुआ सांबा से ही शिफ्ट हुए यहाँ पे, उनको पूछेंगे कब शिफ्ट हुए, कितना टाइम होगा यहाँ पे। और अभी जो हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, पीछे गुरुद्वारा है, इसके सामने हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर बाकी है और आज इनको लेके जाना हमने हुसैनी वाली बॉर्डर, क्योंकि ये पहले हमारे साथ नहीं गए थे ना, तो आज आधे रास्ते तक आए थे, आपको पता है अमृतसर, उसके बाद ये गायब हो चुके थे क्योंकि दूर था। इन्होंने बोला नहीं, दूर नहीं जाना है। क्यों? उस दिन आज आना था ना, तो साथ में चलते आराम से, 3 से 4 बंदे थे। आज तो हम दोनों अकेले, और वो भी बाइक पे। बाइक की इतनी बुरी हालत है ना, पता नहीं रात को आ पाएंगे वापस या नहीं। ये वीडियो बना रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं माता जी, अपनी बना रहे हैं, अपनी वीडियो अपनी। फैमिली रुकी हुई है वहाँ पे, उनका जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज, हम आ चुके हैं। जब आपको बोला था कि यहाँ पे गुज्जर फैमिली है जो कि जम्मू से मतलब शिफ्ट हुए यहाँ पे, पता नहीं कितने टाइम से यहाँ पे शिफ्ट हुए। बाकी ये कुछ लोग हैं यहाँ पे। आप कहाँ से हो? औरंगाबाद से। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे इस साइड में? इस साइड में 4 साल हो गए। अच्छा, इमाम साहब आप इधर आ जाओ। ये है ना यहाँ पे गुज्जर फैमिली की कम्युनिटी है, जो इनके यहाँ पे एक मस्जिद है, छोटी मस्जिद है, तो उस मस्जिद में ये इमाम है। ठीक है, तो ये जहाँ मस्जिद है ये कितनी दूर है पहले मस्जिद? हाँ, मस्जिद तो यहीं पर है, बस यहीं। चलो पहले आपको मस्जिद भी दिखाएंगे, उसके पहले मैंने आपको ये घर दिखाता हूँ, बिल्कुल कच्चा है। और मैंने आपको बोला था कि इनका रहन सहन, खाना पीना क्या होता है क्या नहीं। और सबसे पहले इस बच्चे से शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? बिनिया। अब क्या? बिनिया। दो बाकी मुझे ये बताओ, आप कहाँ पे रहते हो? ये आपका घर है? ये बकरियाँ आपकी है? तो अगर मुझे चाहिए तो एक दोगे? ले ले। पक्की बात है? बकरी दोगे कट्टी दोगे? चलो चलो, अपना है। पक्की बात, अपना है। ट्रैक्टर भी अपना है। तो गाइस, अभी ये जो चारा लेके जा रहे हैं अपने भैंसों के लिए लेके जा रहे हैं, एक ट्राली पूरी है फुल, ठीक है, दूसरी ट्राली ये आ रही है। तो बस थोड़ा सा ये आवाज बंद कर दो, आवाज। ये भी भाई आ गए हैं, इनसे भी पूछते हैं, गफार भाई पूछो इनसे यार। कहाँ से लाया? चक के लिए अंदर, ये अपना है। अपना ही, अपना ही है। चलो मेरे, जाओ फिर। ये देख लो, अभी हम एक मतलब जो बिल्कुल कच्चा घर है वहाँ पे आ गए हैं। तो बाकी इधर भी बहुत भैंसे हैं, मतलब कट्टी कट्टी बोल रहे थे, छोटी छोटी हैं बहुत हैं। और ये मतलब इनका चारा है खाने के लिए, उसके बाद ये भी काफ़ी से बंदे हैं इधर। तो पहले चलते हैं इस घर में, देखते हैं। बाकी बकरियाँ देखो, इनका रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है, देख लो चूल्हा भारी है, सिलेंडर सब कुछ इधर ही है। और ये डिज़ाइन चेक करो गाइस, ये लो चेक करो ये गाइस। और बाकी ये रहा इनका मकान, ठीक है। पहले कुछ यहाँ पे बना रहे हैं, इनको पूछते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, तो क्या बना रहे हो मेरी प्यारी बहन? दाल। दाल, अच्छा आज हमें भी खाना खिलाओगे क्या? पक्की बात है? तो ये जो डिज़ाइन है ये तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, तो किसने बनाई, आपने या? नहीं, मेरी मासी। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हो बेसिकली आप? इधर रहते हैं। अच्छा, यहीं पे रहते हो? कोई नहीं, गुजरी आती है? नहीं नहीं आती। अच्छा अच्छा, तो ये गुजरी है। अच्छा, ये चूल्हा है? हाँ जी। चलो गफार भाई, अभी अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। कैसा लगा आपको गफार भाई अभी तक? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अंदर चलें? लेकिन लाइट होगी अंदर? चलना है। और
गाइस आप देख सकते हो ये इनका बेड है, चार पाई ठीक है, यहाँ पे सोते हैं, तीन से चार बेड हैं। और तो बाकी ये सामने इनका कह रहा है देख लो। उसके बाद ये चूल्हा है, पहले चूल्हे को चेक करो आप, देखो इसके ऊपर पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, चाय बन रही है, क्या बन रहा है, बाकी आप देखो ये चूल्हा इनका ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरमान। आपका? याकूब। आप भाग क्यों रहे थे? डर गए थे ये। डर गए थे? नहीं यार, ये कैमरा थोड़ी ना खाएगा। तो गाइस जैसे आपको पता है हम कल शाम को भी आए थे, बट यहाँ पे ना अंधेरा था तो वीडियो अच्छे से नहीं आ रही थी, इसलिए हम सुबह आए। तो बाकी आपको बोला था कि इनका मतलब पूरा रहन सहन दिखाएंगे, आपको दिखाया। बाकी ये इनका घर है। तो ये मुझे बताओ जो ये डिज़ाइन है जी, ये खुद ही किया हुआ है या किसी मिस्त्री को या किसी बंदे को बोल के? खुद ही बना हुआ है। खुद ही बना हुआ है। तो कितना टाइम हो गया इसको? इसका 2 साल हो गए बना हुआ, अभी मुड़ गया, इसकी तैयारी करनी है अभी। अच्छा, इसकी तैयारी फिर से करनी है। जब यहाँ पे गर्मी होती है तो यहाँ पे गर्मी तो नहीं होती होगी इस घर में? फिर यहाँ से हम चले जाते हैं डंगर चारने के लिए। कहाँ चले जाते हैं उस टाइम? उस टाइम इधर ही मोगे मागे की साइड में। अच्छा, मैंने सोचा मैं इधर ही रहते होंगे क्योंकि एक कच्चा घर है ना, इसमें तो फिर गर्मी बहुत कम लगती होगी ना। नहीं वैसे तो है, बाकी वहाँ भी जाना जाते हैं ना डंगरों के लिए। आप क्यों शर्मा क्यों रहे हो यार, क्यों शर्मा रहे हो? अच्छा, अब अगर आपका नाम है याकूब तो जो यहाँ से भाई है एक पढ़ता है मस्जिद में, जानते हो उसको, मदरसे में, जो याकूब नाम है ना उसका, उसको जानते हो उसका? वो तो नहीं शर्माता यार, फिर आप क्यों शर्माते हैं? वो पढ़ा लिखा हुआ है। अच्छा, पढ़ा लिखा हुआ है? नहीं यार, सबको पढ़ना लिखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, वो सिखाएगा सबको। बाकी ये देखो डिज़ाइन इनकी दीवारों पर, ये फूल देखो, फूल तूने बनाया, ये देख लो, ये आ गया छाता, अम्ब्रेला, छतरी, जो भी बोलना है बोलो आप ठीक है। ये आ गया फूल का गुलाब, ये इमाम साहब बोल रहे हैं कि फूल का गुलाब है, मुझे तो नहीं पता। इमाम साहब ये कौन सा है? बोलो तुम। इमाम साहब कौन सा है ये? ये बूटा। ये बूटा आ गया है। ये गाइस इनका घर है अंदर का, जहाँ ये रहते हैं। बाकी जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो बाहर इनका बिस्तर है, वो भी मैंने आपको दिखाया ठीक है, वहाँ पे सोते हैं। तो बाकी खाना पीना वो भी दिखाया मैंने आपको, डिज़ाइन इनका चूल्हे का डिज़ाइन, उसके बाद क्या नाम है बाहर का जितना भी डिज़ाइन है सब मैंने आपको दिखाया। और अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ ये कहाँ लेके जा रहे हो अभी? अंदर प्लास्टर कर रहे हैं ठीक है ना। और गाड़ी कहाँ है आपकी? ये वाली गाड़ी है? तीन चार दिन में खत्म? हाँ। तो क्या दिन का कितना पैसे लेते हैं? ये अपने घर के ही है। अपने घर के ही है सारे? हाँ। बंदे ये अपने माशाल्लाह साले की लड़की है। अच्छा। वो अपनी लड़की है, ये भी अपने साले की लड़की है। अच्छा, जितना भी घर का काम होता है यहाँ पे खुद करते हैं, किसी को बाहर के मिस्त्री को बुला के काम नहीं करते है। और ये सब कुछ शीशा वगैरह भी कभी कंघा वगैरह करना होता है तो हमारी तो किस्मत में ही नहीं है। चलो गफार भाई थोड़ा साइड होता बना। अच्छा मुझे ये बताइए गफार भाई, क्या आपने ये खरीद लिए? यार मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, इतने प्यारी लगती है ना ये मुझे। तो ये कहाँ लेके जाना है मुझे ये बताओ? मैं सोच रहा हूँ इसको मैं उठा के लेके जाऊँ। तो हमारे पास खुद को गाड़ी वगैरह नहीं है तो किसको कैसे लेके जाओगे ये बताओ? मुझे बहुत प्यारी लगती है। चलो जी मस्जिद दिखाते हैं हम। एक इसको नहीं उठाओगे? ये प्यारी नहीं लग रही? वो भी प्यारी है, प्यारे बच्चे तो प्यारे। ये देखो यही बच्चा था जो क्यूट सा बच्चा जो कल मिला था, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल, तो मुझे ये बताओ पहले डोला वगैरह दिखाओ, दिखाओ हाँ ऐसे। तो कितना दूध पीते हो एक दिन में? 1 लीटर पी लेते। 1 लीटर बस? तो और बाकी क्या खाते हो? बस खाना खाते। क्या क्या खाते हो खाने में? खाने में सब्जी, रोटी, मक्खन, लस्सी और रस। चलो क्या बोल रहे हैं भाई आप? नहीं ये दो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? आपका नाम फरुजुद्दीन। अच्छा, तो ये घर आपका ही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माशाल्लाह, ये कट्टी थी हाँ, भैंस का बच्चा हाँ, ये भी आपका है? आपका है। दो हो गए, हमें लेके जाएं घर इंशाल्लाह, ले जाएं। पक्की बात है? पैसे तो नहीं लोगे? कोई बात नहीं, ले लो। अच्छा अच्छा
और बाकी गाइस अब इसी गांव में मस्जिद है, हम वो भी दिखाएंगे आपको, यहाँ के इमाम साहब भी दिखाएंगे। और ये वो मस्जिद है देखो, ठीक है। अभी गफ्फार भाई आगे आगे जा रहे हैं और ये मस्जिद है देख लो, पहले बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद अभी मतलब अभी प्लास्टर हुआ है इसका और खिड़की वगैरह दरवाजे इसके बंद कुछ भी नहीं हुआ, गेट वगैरह भी नहीं हुआ। ये बाहर से मस्जिद ऐसे दिख रही है ये। चलो अब चलते हैं अंदर जी। ओके माशाल्लाह। तो ये मस्जिद सर आप मुझे बताओ कि ये मस्जिद आप लोगों ने खुद सारे गुज्जर कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन साहब ने मिल के बनवाई है? हाँ जी माशाल्लाह, सारे बंदों ने कॉपरेट किया। सो अभी मस्जिद तो बन गई है, पूरा काम इसका है जो अभी काम हो गया तकरीबन, थोड़ा ही बाकी है अभी इसके, ये खिड़की वगैरह ये बंद करनी पड़ेगी, इसमें और शीशा लगेंगे, शीशा लगेगा और ये गेट, ये भी शीशा रखा हुआ है गेट का लाया हुआ, इसमें गेट में लग जाएगा ये। अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे, मतलब कितने मतलब बच्चे पढ़ते भी मदरसे? बच्चे भी आते हैं। कितने बच्चे हो जाते हैं? बच्चे हो जाते हैं 10-11 अभी तो फिलहाल, 10-11। और नमाज के टाइम जुमा को जो नमाज होती है कितने हो जाते हैं बंदे यहाँ पे? जुमे में हो जाते हैं 50 ऐसे ही। अच्छा 50 इधर आ जाते हैं? जी जी माशाल्लाह, एक सब में 10 बंदे तो आ ही जाएंगे। ठीक जुमा की नमाज भी यहाँ होती है जी। तो ये कुछ ये देख लो गाइस, ये मस्जिद है, इस मस्जिद में इमाम साहब बोल रहे हैं कि 50 बंदा आ जाता है जुम्मे के दिन। और ये देख लो बाकी यहाँ पे बच्चे भी पढ़ते हैं जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, तो वो 10 से 15 के बीच में हैं। अच्छा ये जितने भी हैं ये सब आपके ही हैं? अच्छा हाँ। और ये घर? घर घर आपका ही है? हाँ। ये जो सामने डिजाइन निकाला है ये किसने निकाला है? लड़की। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो गाइस ये डिजाइन चेक करो आप एक बार, कैसा लग रहा है कमेंट में बताना, ठीक है। और ये एक छोटा सा बच्चा, इसको मैं देखता हूँ जाके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? मोहिदीन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहिदीन। अच्छा इसके बच्चे का क्या नाम है? इसका नाम क्या नाम है बच्चे? अरशा इसका नाम। अच्छा मुझे ये बताइए ये जो डिज़ाइन है ये किसने डिज़ाइन बनाया है? ये सब लड़कियों लड़कियों ने बनाया है। काफ़ी अच्छा, हमारी लड़की है ना जी, वो बनाती खुद जानती है बनाने। अच्छा काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया है जी। सलाम कर दो। ले ले बेचो का पीस या मतलब केजी? 200 रुपए किलो। किलो नहीं आप ये 200 का पीस या 200 का किलो? 200 किलो। 200 रुपए किलो। किलो किलो ये वाला 350। ये कितने किलो की होगी? 5-7 किलो। तो गाइस शाम के बढ़ चुके हैं 5:30 और इस टाइम हम मच्छी मार्केट में अमृतसर में, आपको पता है कि तरन तारण में रुके हुए हैं, बट क्या नाम है शहजाद भाई को कुछ काम था हम अमृतसर में और आए और यहाँ पे उनका काम जो भी हो गया वो क्लियर हो गया और उसके बाद मच्छी लेनी थी, आरिफ भाई भी साथ में हैं तो वो सामने वाली शॉप पे गए हुए हैं, वहाँ से ले रहे मच्छी और ये कुछ भाईजान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो कहाँ से हो भाई आप सब? लोकल हो, यूपी के हो, बिहार के हो? यूपी के, क्योंकि मैक्सिमम मैंने लोग देखे यहाँ पे पंजाब में यूपी के ही होते हैं। कब्जा करके रखा हुआ यार पंजाब में कर लो पूरा कब्जा है। और बाकी कुछ कहना है आपको? तो गाइस जैसे कि आपको बताया पंजाबी जो गुजर हैं यहाँ पे उनका मैंने आज के व्लॉग में मतलब आपको दिखाया कि उनका कैसा कल्चर है, कैसा नहीं है, कैसा रहन सहन है, ठीक है, वो भी आपने देख लिया। तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही है और बाकी जो शहाब भाई की अपडेट है वो आफिया किड स्कूल में रुके हुए हैं। तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब। क्या करना है चैनल को? सब्सक्राइब। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। बाय बाय कर दो इनको। बाय बाय बस।